हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2023-24 का है। यहां से दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां से पीएचडी एडमिशन रनिंग में है, और एक स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ से पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें जो वैकेंट सीट है, ये आपके बहुत सारी सीटें हैं, 2000 से लगभग 3000 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सब्जेक्ट्स लगभग सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से किसी एक में डाल सकते हैं जो भी आपके लिए सुटेबल हो और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट अवेलेबल हो। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप अप्लीकेशन फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। तीन यूनिवर्सिटी है तो कवर करने में भी टाइम लगेगा, तो यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी है। सबसे पहले जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है ये 2023 और 24 के एकेडमिक सेशन के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें कि पीएचडी में सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं, खाली हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, फाइन आर्ट्स है, एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, लॉ है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है और स्टेटिस्टिक है। बाकी यहाँ पे एडमिशन के लिए ये लिंक दिया गया है, आप इसे गूगल पे जाके सर्च करेंगे, ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। वेबसाइट से ही जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सारी क्वेरीज को आप यहाँ पे, अगर कोई क्वेरी है आपकी एडमिशन से रिलेटेड, तो यहाँ आप मेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है, ये है मिजोरम यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये कम्बाइन है, यानी कॉमन है यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स के लिए। ठीक है, तो जिसमें पीएचडी में सीटें हैं या पीएचडी में सब्जेक्ट हैं, ये सारे देख लेते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले आप देखिए साइकोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि पीएचडी अवेलेबल है। देन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री एंड एंथ्रोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, एजुकेशन है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ है, मीजो है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ एंड कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। आप मिजोरम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो एडमिशन का लिंक है वो आपको डायरेक्ट कहीं भी यूनिवर्सिटी पे नहीं मिलेगा। वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक सेंट्रलाइज वेबसाइट बनाया जाएगा, जो कि नेट एनटीए द्वारा आपके जो एग्ज़ाम होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कराए जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये सारे डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं, यानी कि केवल नेट जेआरएफ के लिए डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन लिए जाएंगे थ्रू द इंटरव्यू। ठीक है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा वो एनटीए एग्ज़ाम कराएगी, और एक कॉमन जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक कॉमन वैकेंसी आएगी जिसमें कि सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और सीटें अवेलेबल हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में आपकी इंटरव्यू होंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ जूलॉजी है, जियोग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचएएमपी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें तो पीएचडी नहीं केवल एमएससी है, पेट्रोलियम जियो साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, मास कम्युनिकेशन है। इसके अलावा अगर बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, प्लानिंग एंड आर्क है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है। इतने सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं, 37 सब्जेक्ट्स हैं। इसके पहले भी लगभग हम लोगों ने 20 सब्जेक्ट्स देखे हैं। यहाँ पे दिया गया है जो जनरल कोर्सेज हैं उसके लिए ₹500 है एप्लीकेशन फ़ी, और एससी एसटी के लिए ₹300 है। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके लिए ₹1000 है, एससी एसटी के लिए ₹800 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। इसकी लास्ट डेट देखें तो यूजी और पीजी के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई दिया गया है, लेकिन पीएचडी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 अगस्त लास्ट डेट दिया गया है। ठीक है,
आपको यहाँ पे क्या है, अप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है और यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है कि जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा का पूरा सबमिट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दिए हैं, इनकम्प्लीट है आपका अप्लीकेशन फॉर्म, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में ही आपको फी भी सबमिट करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग में भी पीएचडी कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन नोटिस आया हुआ है, इसकी जो लास्ट डेट दी गई है 14 अगस्त 2023 है, ठीक है। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग का अलग से दे दिया गया। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU से नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको अप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD प्रोग्राम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप PhD के लिए जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप सबमिट कर सकते हैं। अगर हम क्लिक करके देखें तो यहाँ पे जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सबमिट कर देनी। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो एडमिशन के पोर्टल पे जाएंगे, नीचे PhD दिया गया है, PhD पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है वैकेंट सीटें प्रोग्राम में, आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस आपको आ जाएगा, वैकेंट सीटें आ जाएंगी, अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। हम लोग वैकेंट सीट देख लेते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 5, जनरल में और PWD के लिए 1 सीट है। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 1 है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 3 और 1 PWD में है, होम साइंस में 1 और 1 है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी भी दिया गया जिसमें कि 2 और 1 सीटें अवेलेबल हैं। फाइन आर्ट्स में 1 है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 18 और 9 दी गई हैं, मलयालम है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, इसके अलावा पर्शियन है, अरेबिक है, लिंग्विस्टिक्स है, हालांकि ये मिजोरम का है लेकिन फिर भी इसमें सारे ही लैंग्वेज के दिए गए हैं। लिंग्विस्टिक है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, ठीक है, जिसमें आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स दिया गया है, कॉमर्स के अलावा यहाँ पे देखा जाए तो अप्लाइड फिजिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग दिया गया है, आर्किटेक्चर है, वेस्ट एशियन स्टडीज एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज दिया गया है, लॉ है, वाइल्ड लाइफ साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी सीटें हैं, लगभग 1500 सीटें तो यहीं पे आपको मिल जाएंगी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, ट्यूबरकुलोसिस है, प्लास्टिक सर्जरी है, ये सारे आप तो यहाँ पे देख लीजिए, मेडिकल से इतनी फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ साइंस की देखें तो यहाँ पे फिजिक्स है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी को यहाँ पे साइंस में रखा गया है, ये साइंस और आर्ट्स दोनों में ही, सोशल साइंस और साइंस दोनों में ही जियोग्राफी आता है, तो यहाँ पे साइंस फैकल्टी में रखा गया है। स्टेटिस्टिक है, ऑपरेशन रिसर्च है, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इसमें भी आप अगर PhD फील्ड में आपने पढ़ा हुआ है रिमोट सेंसिंग एंड GIS तो इसमें भी PhD कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दिया गया है। नेक्स्ट सोशल साइंस दिया गया है जिसमें कि आपका साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स दिया गया है, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ह्यूमन स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, ये सोशल स्टडीज सोशल साइंस में अवेलेबल है। बाकी थियोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी, सियत थियोलॉजी, ये भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, लगभग डेढ़ हज़ार सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं जनरल और PWD का मिला के। ये 3 यूनिवर्सिटी जिसमें 2 सेंट्रल और 1 स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से PhD रनिंग है। आप इंटरेस्टेड हैं, आपका सीट अवेलेबल है, सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। होपफुली ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा आपके लिए। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।